हिंदो पाक की तकसीम के वक्त लाखों बेसहारा भूखे प्यासे और दरबदर ठोकरें खाने वाले महाजरीन की जिस तरह मनजम तौर पर बेलौस जमात अहमदिया के रजाकारों ने की वो तारीख़ अहमदियत का एक बाब है इस अजीम खिदमत के पीछे भी हजरत मुसलह मऊद का शफीक वजूद मतरक नजर आता है क्याम पाकिस्तान के बाद पहले कश्मीर को हिंदुओं के मुजालिम से नजात दिलाने और कश्मीर की तारीखी आज़ादी को मनज़म करने के सिलसिले में भी हजरत मुस्लह माऊद ने बुनियादी और कलीदी किरदार अदा किया आप ऑल इंडिया कश्मीर कमेटी के पहले सदर रहे हुकूमत पाकिस्तान की दरख्वास पर आपकी जेर हिदायत फुरकान फोर्स ने कश्मीर के महाज पर फौजी खदमात सर अंजाम दी ये बटालियन अहमदी ऱाकारों पर मुश्तमल थी जिसने 1948 से 1950 तक बहुत जोश और मुस्तैदी से कश्मीर के महाज पर अपनी फ़ौज की मदद की अहमदी रज़ाकारों को हुकूमत पाकिस्तान और अखबार ने दिल खोल कर खराज तहसन पेश किया हजरत मुसलह मऊद खुद महाज पर जाकर अपनी जमात के शेर दिल नौजवानों का हौसला बढ़ाते रहे और अजम नौ अता फरमाते रहे क्यामें पाकिस्तान के सिलसिले में हज़रत मसल मऊद की क्यादत में जमात अहमदिया ने हर मरहले पर तारीख़ साज करदारदा किया काद आजम की बरतानिया से हिंदुस्तान वापसी और मुसलमान हिंद की क्यादत करने में हजरत मसल मऊद की हिदायत और कोशिशें शामिल थीं। आपकी हिदायत पर उस वक्त के इमाम मस्जिद फजल लंदन मौलाना अब्दुलरीम दर्द ने कायद अज़म को इस काम के लिए तैयार किया सियासी महाज पर हिंदुस्तान के मुसलमानों की पुरजोर और बेलौस नुमाइंदगी का हक हजरत चौधरी मोहम्मद फफ़रल्ला खान साहिब ने अदा किया जो हजरत मुसलह मऊद की रहनमाई में काम कर रहे थे इसके अलावा दुनिया के मतद्द ममालिक को आमिराना तसलुत से नजात दिलाने और आज़ादी से अमकिनार करने में भी हजरत चौधरी मोहम्मद फफ़रल्ला खान साहिब ने ऐसी सुनहरी खिदमत सर अंजाम दी हैं जो तारीख़ आलम के सफ़ात से कभी मिटाई नहीं जा सकती जमात के इंतजामी ढांचे को मस्हकम करने के लिए आपने उन्नीस सौ उन्नीस में सदर अजमन अहमदिया में नज़ारतों के निज़ाम को वसअत दी जमात के मर्दों औरतों और और को ज़ैली तंजीमों में तकसीम करके अपने अपने दायरे कार में मुतरक और फ़ाल बनाना भी आपका एक अजीम कारनामा है उन्नीस सौ बाईस में लजना और उन्नीस सौ अट्ठाईस में नासरातुलादिया का निज़ाम कायम फरमाया खुदामादिया का क्याम उन्नीस सौ अठतीस में और अतफ़ालादिया की तनजीम उन्नीस सौ चालीस में बनाई गई इसी साल मजलिस सनसार्ला का क़्याम भी अमल में आया नज़ाम खिलाफत के बाद मजलिस शुरा का निज़ाम सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है इसका आगाज़ उन्नीस सौ बाईस से फरमाया आपने बाकायदा वक्फ़ ज़िंदगी की तहरीक उन्नीस सौ सत्रह में की और उन वाक़फ़ीन की तालीम और तरबियत के लिए उन्नीस सौ अट्ठाईस में जाम अहमदिया कायम फरमाया दारज़ा का निज़ाम उन्नीस सौ पच्चीस में अमल में आया उन्नीस सौ तेईस में हिंदुओं ने दूसरे लोगों को हिंदू बनाने का आजम लेकर शुदी की ज़बरदस्त तहरीक शुरू की बहुत से मुसलमान इस रेले में बहकर हिंदू हो गए यह सूरत हाल देख कर हज़रत मुसलह मऊद सख्त बेकरार हो गए आपने इस शुदी की तहरीक के मुकाबल पर जवाबी तहरीक शुरू फरमाई अहमदीत के जानसार मुबल्गी ने आपकी ज़र हिदायत ऐसी जामबाजी से इस जहाद में हिस्सा लिया कि न सिर्फ़ बहुत से मुसलमान हिंदू होने से बच गए बल्कि जो लोग हिंदू हो गए थे वो दोबारा इस्लाम की आगोश में आ गए उन्नीस में अहरार ने जमात अहमदिया के खिलाफ मुल्क तहरीक जारी की उनका दावा ये था कि हम जमात अहमदिया को दुनिया से कुल यतन नाबूद कर देंगे और इस जमात का नामों निशान मिटाकर रख देंगे हजरत मुसलह माऊद ने अपनी खुदादा फरासत से न सिर्फ़ अहरार के नापाक ना अज़ाइम को खाक में मिला दिया बल्कि इस नापाक मनसूबे के जवाब में तहरीक जदीद के नाम से एक हमागीर तहरीक का आगाज फरमाया जिसके ज़रिए सारी दुनिया में इशात इस्लाम का फरीजा सर अंजाम दिया जाने लगा इस तहरीक जदीद के शीरी समाराथ ने आज कुल आलम को अपने हाते में लिया हुआ है और दुनिया की मुमालिक इसी के अक्सर ममालिकी बरकत तहरीक से फैजयाब हो रहे हैं उन्नीस सौ सैतालीस में जब बर सगीर की तकसीम अमल में आई तो जमात अहमदिया को अपने मरकज़ कादियान से हिजरत करनी पड़ी यह वक्त जमात के लिए बहुत ही कठिन था हजरत मुसलह माऊद ने कमाल फरासत और हमत अमली से काम लेते हुए न सिर्फ़ अफराद जमात की जानी व माली हिफाजत का इंतज़ाम किया बल्कि पाकिस्तान में जमात के लिए नया मरक़ भी कायम कर दिया एक साल के अंदर अंदर दारुल हिजरत रवा का क्याम फ़िलहिकत एक मज़जे से कम नहीं बेयाब हो गया वीरान और बंजर सर ज़मीन की जगह अब एक सरसब्जो शादाब तरक्की याफ्ता पर रौनक शहराबाद है रबा का वजूद दायम रहेगा कोई जबरी कानून इसके नाम को मिटा नहीं सकता इस बस्ती का चप्पा चप्पा इस बात का गवाह रहेगा कि इसका बानी साहेब अजम भी था और साहेब अजमत भी मुखालफत की आंधियाँ हमेशा से खुदाई जमातों की तारीख का हिस्सा रही हैं उन्नीस सौ तिरपन में पाकिस्तान में जमात अहमदिया के ख़िलाफ़ मजलसरार ने एक मुल्क तहरीक चलाई उनके अजायम इंतहाई ालमाना और ख़तरनाक थे ऐसे मरहल भी आए कि बड़े साहिब हौसला लोगों के पत्ते पानी हो रहे थे लेकिन वो मुबारक वजूद जिसको खुदा ने अपने कलाम में सख्त सहीन व फीम फरमाया जिसके नज़ुल को बहुत मुबारक और जलाल इलाही के ूर का मूजब करार दिया वो उल्म रहन जमात के सर पर मौजूद था और उसके सर पर खुदा का साया था हजरत मुसलह मऊद ने इस नाजुक दौर में जमात की हिफाजत और रहनुमाई काम फरीजा इंतहाई खुशसलूबी से अदा फरमाया और अल्लाह से ख़बर पाकर ये ऐलान भी फरमाया कि घबराओ नहीं मैं देख रहा हूँ कि खुदा ताला हमारी मदद को दौड़ा चला आ रहा है इन हंगामों के नतीजे में चंद खुशकस्मतों ने शहादत का एजाज़ पाया लेकिन मुखालफत का यह सैलाब जमात की तरक्की को न रोक सका बल्कि जमात की मुस्तकिल तरक्की का एक और वसीला तहरीक वक्फ जदीद के ज़रिए नमूदार हुआ जिसका आगाज़ हज़रत मुसलह मऊद ने उन्नीस सौ सतावन के आखिर में फरमाया नूर खुदा है कुफ़्र की हरकत पे ख़ंद फूंखों से ये चराग बुझाया न जाएगा पेशगोई मुसलह मऊद में एक सिफ्त फरजंद मऊद की यह बयान की गई थी कि वह उलूमें ज़ाहरी वातनी से पुर किया जाएगा इस पहलू का ईमान अफरोज़ जहूर इस तौर से हुआ कि अल्लाह ताला ने हज़रत मुसलह मऊद को दुनियावी डिग्रियों के बगैर और नहाय कमज़ोर सेहत के बावजूद दीनी और दुनियावीम से मालामाल कर दिया आपको मुताले का बहुत ज़्यादा शौक़ था इस ज़रिए से जो इल्मिल कर सकते थे वह आपने किया इस पर मजीद ये कि इस सख्त सहीन व फ़हीम इंसान पर अल्लाह ताला की रहमतों और फजलों का साया था और ख़ुदा ने उसमें अपनी रूह डालकर उसको अपनी रजामंदी के तर से ममसू फरमाया था ज़ाहिर है कि इन सब बातों के इज्तम ने नला नूर वाली कैफ़ियत पैदा फ़रमा दी दुनिया ने देखा सुना और बारहा मुशाह किया कि हज़रत मुसलह मऊद ने दीनी मामल में ऐसा बुलंद मरतबा हासिल किया जो अपने ज़माने में बेनज़ीर था आपने अपनी जिंदगी में कमोबेश 225 दो सौ पच्चीस कुतब रसायल तस्नी फरमाए